हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। एक्सरसाइज 3.6। व्हेन वी रिड्यूस दीज लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस। चलिए कैसे करना है इसको स्टार्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x 1/3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x इज न्यू वेरिएबल u एंड 1/y इज न्यू अनदर वेरिएबल v, राइट। अब ये इक्वेशन जो मेरे पास है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, 1 यानी u अपॉन 2 v अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, ये एलसीएम ले लें 6, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3u 2v इक्वल्स टू 6 2 जा 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें हम, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, दिस इज -12 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 1/3u प्लस v अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6, यही होगी। फिर से एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 6, तो 2u 3v 6 कैंसिल आउट, -13 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तीन मेथड हैं आपके, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी मोस्ट है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए u अपॉन v अपॉन और 1 अपॉन, क्योंकि हमने कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया है। u के अपॉन में u के मल्टीपल्स काउंट नहीं होंगे, 2 और 3 नहीं लेंगे आप, 2 एंड 3, -12 एंड -13। v के अपॉन में v काउंट नहीं होगा, -12 -13 एंड देन 3 2। 1 के अपॉन में कांस्टेंट काउंट नहीं होगा, 3 2 एंड 2 3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, u अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको हम, -26 -- +36। v के अपॉन में 12 2 जा 24 और 13 3 जा 39, 1/9 -4, ठीक हो गया। अब हम यहां से फाइंड कर देते हैं u और v की वैल्यू कैसे आ जाएगी मेरे पास। u और v को जो हमने एज्यूम किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया हमने, u अपॉन ये वैल्यू आ गई 10, v अपॉन ये सॉल्व किया दिस इज 15 और 1/5। तो यहां से जो वैल्यूज हैं हमारे पास, u इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी u की, u इक्वल्स टू 10/5 यानी 2 और v इक्वल्स टू 15/5 यानी 3। क्या लिया था हमने, u किसके इक्वल था, u था 1/x के इक्वल, तो यहां से हम 1/x को लिख सकते हैं 2 के इक्वल एंड x इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल ऐसे ही v को हम पुट कर सकते हैं, v किसके इक्वल था, 1/y और v हमने फाइंड किया है 3, तो यहां से y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 1/3, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम एज्यूम कर दें लेट 1/√x, इसको हम u ले लेते हैं और 1/√y को हम ले लेते हैं v। क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, 2u 3v इक्वल्स टू 2, उसको भी लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, 4u 9v -- +1 इज 0, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। u के अपॉन में u काउंट नहीं होगा, 3 -9 -2 एंड 1, v के अपॉन में v काउंट नहीं होगा, -2 1 देन 2 एंड 4, 1 के अपॉन में कांस्टेंट काउंट नहीं होगा, 2 4 3 और -9। ध्यान रखिएगा जहां पे माइनस साइन है वो भी काउंट होगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, u अपॉन 3 -9 2 जा
18, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया लेकिन फॉर्मूले का माइनस होगा, v अपॉन माइनस 8 माइनस 2 एंड 1 अपॉन 9 टू जा 18, 4 थ्री जा 12, u अपॉन माइनस 15, v अपॉन माइनस 10 माइनस 30। ठीक है, तो यहां से मुझे u की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 15 यहां ट्रांसफर होगा तो 1 अपॉन 2, और v की वैल्यू हो गई माइनस 10 इधर गया 1 अपॉन 3। जब हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन x इज 1 अपॉन रूट x इज u, u कितना है 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन रूट y ये हमने फाइंड किया है 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। बस ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2, वही सेम टर्म यहां पे है, तो यहां पे हम क्या एज्यूम कर लें, 1 अपॉन x माइनस 1 को u ले लें और 1 अपॉन y माइनस 2 को v ले लेते हैं। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5u v माइनस 2 इज 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 6u माइनस 3v माइनस 1 इज 0, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड क्या लिख सकते हैं हम, u अपॉन v अपॉन और 1 अपॉन, u के अपॉन में u काउंट नहीं होना है, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, v के अपॉन में माइनस 2 माइनस 1 5 एंड 6, 1 के अपॉन में 5 6 1 एंड माइनस 3। ठीक है, चलिए u अपॉन माइनस 1 प्लस 6, v के अपॉन में दिस इंटू दिस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 5, और 1 अपॉन माइनस 15 और माइनस 6। ठीक है जी, u अपॉन माइनस 7 v अपॉन माइनस 7 1 अपॉन माइनस 21। जब मैं इसको और इसको इक्वल रखूंगी तो u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 अपॉन 3 और v की वैल्यू भी 1 अपॉन 3। जो हमने वैल्यू एज्यूम की है वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 1 अपॉन x माइनस 1 इज 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज 1 अपॉन 3। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू 5, इनको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें सिंपली आपने क्या करना है, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन है जैसे 6x 3y इक्वल्स टू 6xy, तो इस पूरी इक्वेशन को xy से आपने क्या करना है, पहले डिवाइड, 6 अपॉन y 3 अपॉन x इक्वल्स टू 6, फिर आप एज्यूम कर लेंगे 1 अपॉन y को u और 1 अपॉन x को v, तो इक्वेशन बन जाएगी 6u 3v माइनस 6 इज 0। बिल्कुल ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपने सॉल्व करना है। सेम यहां पर आपने क्या एज्यूम करना है, 1 अपॉन 3x प्लस y, इसको आप u ले लेंगे, और 1 अपॉन 3x माइनस y को आपने v पुट करना है। ठीक है, तो यहां से जब दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएं, उसके बाद आपने u और v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड करना है, उसके बाद आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको क्या करना है, पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम से पहले फॉर्म करनी है। कैसे, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कभी भी डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम में आपको लेनी होती है लेट एक्स स्पीड ऑफ बोट
एंड वाई ले लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और तब हम काउंट करते हैं डाउन स्ट्रीम। हमेशा आप लेंगे x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम आप काउंट करते हैं x माइनस वाई। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया क्या क्या गिवन है हमें। डिस्टेंस है हमारा 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई दैट इज टाइम। सो x प्लस वाई ये 2 अपॉन में ले लीजिए, दैट इज 10, और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसी टाइप से क्या गिवन है हमें, एंड 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। 4 अपॉन x माइनस वाई इज 2, दैट मीन्स x माइनस वाई इज 4 अपॉन 2 यानी 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, ओके, एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज। देन 2 वुमेन 1 डे का वर्क आप फाइंड करते हैं, तो इसमें इक्वेशन आप फॉर्म करते हैं 2 अपॉन x 5 अपॉन y इक्वल्स टू जितने डेज में वो फिनिश कर रहे हैं उसका भी 1 अपॉन करेंगे आप, क्योंकि 1 डे का वर्क आप फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3 अपॉन x 6 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ठीक है, तो पहले हम x और y फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 1 अपॉन x को आप u ट्रीट कर लेंगे और 1 अपॉन y को आप v ले लेंगे। ठीक है, यू वी में सॉल्व करके तब आपने इसको आगे प्रोसीड करना है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर हाउस होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। दोनों की स्पीड आप एज्यूम कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो 60 अपॉन x प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 में से 60 आपने माइनस किया, 240 अपॉन y इज इक्वल्स टू जितना टाइम है यानी 4। ठीक, तो इसी टाइप से आपने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये थी आपकी 3.6 एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आप कमेंट करिएगा कि किसी एक्सरसाइज में, किसी टाइप में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक। ओके, थैंक यू।